इमरान खान साहब का जो मसला है, मैंने हमेशा कहा है कि किसी सियासी लीडर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, लेकिन सियासी लीडर को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। इमरान खान साहब की अदालत में पेशी थी, उनको आना चाहिए था, 5-6 पेशियों में नहीं आए। अदालत ने अब वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और हुकूमत पाबंद है कि गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। मैं खुद कम अज़ कम 100 पेशियाँ नैब की इंक्वायरी मैंने भुगती हैं, 125 से ज़्यादा अदालत की पेशियाँ भुगती हैं। इस हफ्ते भी, कल भी मैं अदालत में था और जुमे को मैं कराची में अदालत में हूँगा। तो सियासी लीडर को अदालतों से घबराना नहीं चाहिए। ये अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी तो पूरा मुल्क देखेगा। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हमें उसका गिला नहीं है, लेकिन ये चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब ख़ुद आज अपने वर्करों को और लाहौर के अवाम को इम्तिहान में न डालें, और इससे पहले कि कोई वहाँ पर जानी नुकसान हो जाए, बेहतर है कि दलेर आदमी की तरह बाहर निकले, गिरफ्तारी पेश करें और चंद दिनों में बेल मिल जाएगी। जेल मैंने भी 2-2.5 साल 3 साल के करीब काटी हुई है, कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब तो जलसों में दावे करते थे कि मैंने आज फलाने को गिरफ़्तार कर दिया है, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म को कोई इख्तियार नहीं होता किसी को गिरफ़्तार करने का। तो अब उनके अदालत ने वारंट जारी किए हैं, अगर अदालत पेश होते तो कोई वारंट जारी ना होते। अब उनको गिरफ़्तार करके पेश करेंगे, उसके बाद जेल चले जाएंगे, 2-4 दिन में ज़मानत हो जाएगी, घर आ जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो ये फैसला मियाँ साहब करेंगे, मुझे वापसी की डेट के लिए नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से पहले उनको वापस आना चाहिए और महल आएंगे। आइन में गुंजाइश होती है कि इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज अगर हो जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले भी हुई है। इस दफ़ा भी पंजाब में मेरा ख्याल है 6-7 दिन की डिले हो गई है और KP में शायद 5 हफ्ते की डिले है। तो ये आइन में कवर हो जाती है। ये तोहफे आपको मिलते हैं, हुकूमत का 50 साल का कानून है कि तोहफे एक आप खुद नहीं लेते, एक इदारे के पास जमा हो जाते हैं। वो इदारा आपको ख़त लिखता है कि ये आपकी रकम जिम्मे बनती है, ये आप हुकूमत को अदा कर दें तो तोहफा आपका हो जाएगा। तोहफा आपका होता है, हुकूमत का नहीं होता, ना तोशा खाना का होता है। आप रकम अदा करें और ले लें। और मैंने अब ये बता दूँ कि मैंने कोई माली मफाद इन तोहफों से हासिल नहीं किया। इसकी लंबी एक कहानी है, लेकिन मैंने नहीं ऐसा हासिल किया।